नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं। खबर यह है कि राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़ा भी कौन कर रहा है? कांग्रेस के पुराने नेता। जी हां, वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या वाकई में राहुल गांधी को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, क्या वाकई में राहुल गांधी जो है उन्हें अब बदलाव करना चाहिए, या कहा जाए तो उन्हें अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखने को मिला है कि राहुल गांधी से न रणनीतियां बनाई जा रही है, न पार्टी कार्यकर्ताओं को संभाला जा रहा है और न पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगी मेरी सहयोगी अनुजा। अनुजा आपको बताएंगी कि क्या वाकई में राहुल गांधी के बस की नहीं है राजनीति करना, और राहुल गांधी अगर राजनीति में है, कांग्रेस पार्टी में है, तो पार्टी को बेहतर बनाने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात करें तो राहुल गांधी को पार्टी के बाहर भी अंडरएस्टिमेट किया जाता है और पार्टी के अंदर भी अब जो वरिष्ठ नेता हैं वो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सबको अगर देखा जाए तो इससे पहले बता दें कि राहुल गांधी जो है पहले काफी एक्टिव रहते थे और अभी भी एक्टिव है। अभी 2022 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसके लिए राहुल गांधी जो है वो अभी से ही चुनाव की रणनीति बनानी शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी को इग्नोर कर रहे हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात अगर क्या है, राहुल गांधी पार्टी में काफी वर्षों से जुड़े हैं, लेकिन राहुल गांधी का जादू जो है वो जमीनी स्तर पर नहीं चल पाया। इसकी आखिरकार क्या वजह हो सकती है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी नहीं है? राहुल गांधी चुनाव के समय रैली करने जाते हैं, जनता से मुलाकात करते हैं, भीड़ तो खूब होती है, लेकिन उस भीड़ का असर वोट पर नहीं दिखता। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, इस बीच जो है वो बीजेपी लगातार रैलियां कर रही हैं और अभी से ही बैठकें कर रही हैं, लेकिन इस बीच अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं चूकती हुई भी नजर आ रही है। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश गई थी, बट उन्होंने जो है वो बस एक दो दिन का दौरा किया, उसके बाद वो वापस आ गई। फिर अब क्या रहा कांग्रेस की हालत क्या रह गई है? चुनाव है अगले साल और अभी भी उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव से रिलेटेड कुछ भी नई बातें नहीं आ रही हैं। इस बीच बता दें कि कई नेता जो है वो वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन जो जमीनी मुद्दे हैं या फिर जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहे हैं कांग्रेस कहीं भी। इस बीच जो है राहुल गांधी भी जो है कई बार वर्चुअली ही जुड़े हैं, लेकिन अभी तक वो भी उत्तर प्रदेश नहीं गए। सबसे बड़ी बात अगर कहा जाए तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश नहीं गए, वो बात ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह बन रहा था कि क्या वजह है कि राहुल गांधी का जादू नहीं चल पाया है? इतने वर्षों तक पार्टी में है, जमीनी स्तर पर नहीं दिख पाती वो बात जो भीड़ में होती है। रैली के दौरान तो खूब भीड़ होती है, कुर्सियां खचाखच भरी रहती है, लगता है कि यही भीड़ वोट में तब्दील होगी, लेकिन जब वोट होते हैं और जब गिनतियां होती हैं तो नतीजे कुछ और आते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, अगर अभी की सिनेरियो की बात करें तो बीजेपी का जो प्रकोप है ना जनता पे वो बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छवि भी खराब हुई है। यही राहुल गांधी को लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं और इसका असर जो है वो चुनाव पे दिखता है, उनकी सीटों पर भी दिखता है कि लोग पब्लिक तो आती है, जनता तो आती है उनकी बातों को सुनने के लिए, लेकिन उस हिसाब से उन्हें वोट नहीं मिलता है। यानी कि उस हिसाब से वोट नहीं मिलता है। देखिए, रैली में भीड़ जुटाई जाती है, कैसे जुटाई जाती है जनता को पता है, जनता समझदार है, वो हम बताना नहीं चाहते, लेकिन फैक्ट बात यह है कि राहुल गांधी जो है उस भीड़ को वोट में तब्दील नहीं कर पाते। ऐसे में यही सवाल खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी जब रैली करते हैं, जब जनता से मिलते हैं और तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पार्टी को लेकर तमाम तरह से फेरबदल करते हैं, लेकिन उन सबका फायदा नहीं दिखाई देता। इसका मतलब यह है कि कमी राहुल में है। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि कैसे उस भीड़ को वोट में तब्दील किया जाए, कैसे उस भीड़ को वोट बनाया जाए,
ताकि फायदा कांग्रेस पार्टी को हो। चलिए बात करेंगे एक और मुद्दे पर और एक ही और स्थिति की। अगर हम बात करें तो फिलहाल साल 2024 का लोकसभा चुनाव है, अगले साल से चुनावी घड़ियां शुरू हो गई हैं। आपको क्या लग रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करती है तो क्या इसका फायदा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा और इसके साथ ही साथ पंजाब और जो अन्य राज्य है वहां पर मिलेगा और साल 2024 में भी बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ा बात यहाँ पे यही है कि जो कांग्रेस है वो दो आम चुनाव का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से होके ही जाता है, और इस बीच जो है ये बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन करना होगा, अच्छी सीटों को हासिल करनी पड़ेगी। इसी वजह से प्रशांत किशोर को भी पार्टी में लाने की बात हो रही है। यूँ देखें तो प्रशांत किशोर की छवि बहुत अच्छी रही है पिछले कई चुनावों में। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर ने बड़ी मेहनत की थी, उसके बाद से वो काफ़ी स्ट्रांग बन के निकले हैं, जिसके बाद उन्होंने जो है वो चुनावी रणनीतिकार पद से इस्तीफा भी दे दिया था। प्रशांत किशोर के इस्तीफा देने के बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि प्रशांत किशोर बहुत जल्द किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसके बाद से हर एक पार्टी चाहती थी कि प्रशांत किशोर उनकी पार्टी में शामिल हो। जिसके बाद अब प्रशांत किशोर की ओर से उन्होंने भी यही कहा था कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे लेकिन उन्हें एक अच्छे पद की जरूरत है, वो ऐसे नहीं ज्वाइन करेंगे। इस बीच जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी का समर्थन प्राप्त हो गया है प्रशांत किशोर को, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रशांत किशोर को पार्टी में लेकर पार्टी का माहौल को अच्छा बनाना चाहती है, पार्टी के माहौल को अच्छा बनाना चाहती है। और मैं आपको सबसे बड़ी और फैक्ट बात बता देता हूं, प्रशांत किशोर को कांग्रेस की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को प्रशांत किशोर की जरूरत है, क्योंकि पार्टी की हालत, कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो अगर पार्टी अब नहीं संभली, पार्टी में अब बदलाव नहीं हुए तो शायद वक्त आगे निकल जाएगा और कांग्रेस जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी वो सिमट कर रह जाएगी। यानी कि जिस कदर माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आगामी समय के जो हालात हैं वो बहुत कुछ इशारा कर रहा है। लेकिन एक सहयोगी से मेरा सवाल एक और ये भी रहेगा कि जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिलहाल बीजेपी बहुत बड़ी पोजीशन पर है, बहुत मजबूत स्थिति में है। मोदी की लहर अभी भी बरकरार दिखाई देती है, वो बात अलग है कि देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, युवाओं के सपने टूट चुके हैं, महिलाओं की सुरक्षा पर कोई बात नहीं होती, वो सब एक अलग मुद्दा है। लेकिन मोदी चलता ही रहता है, यानी कि जनता को आम मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपको अगर बात करी जाए तो जिस हिसाब से कहीं ना कहीं अब लोगों को पता चल रहा है कि वाकई में चीजें उलट हो रही हैं, चीजें बहुत अलग हो रही हैं, तो क्या अब की बार जो स्थितियां बन रही हैं इसका सीधा सीधा असर 2024 पर पड़ेगा या फिर मोदी ही चलता रहेगा? जैसा कि आपने खुद कहा कि जमीनी मुद्दे जो हैं उसे कहीं ना कहीं सरकार जो है वो भटकती हुई नजर आ रही है, और इसी का फायदा कांग्रेस उठाती हुई नजर आ रही है। 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और उसमें जो है वो कांग्रेस की चुनावी मुद्दे जो है वो यही है, जमीनी असर के मुद्दे ही कांग्रेस उठा रही है, और जो कि सरकार कहीं ना कहीं दूर करती हुई नजर आ रही है। और अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का अगर अच्छा प्रदर्शन रहा तो आम चुनाव में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। वाकई में अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश में स्थिति अच्छी रहती है तो आम चुनाव पर फर्क पड़ेगा। और खैर, अगर बात करें तो स्थितियां अब कैसी बनती हैं, चुनाव का माहौल क्या रहेगा, जनता का रुझान किस तरफ रहेगा, वोट किस हिसाब से पड़ेंगे, ये आगे बताया जाएगा। हम आपको चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें बताएंगे और हर एक अपडेट बताएंगे। लेकिन जैसे कि आपको बता दूं, एसपीएन 9 न्यूज की टीम लगातार चुनावी खबरों पर काम कर रही है। हम बात कर रहे हैं स्थानीय मुद्दों पर, हम बात कर रहे हैं जनता की आवाज पर, हम बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि जनता क्या जमीनी मुद्दों को चुनती है या फिर अभी भी मोदी और योगी की माला जपती रहेगी या मोदी और योगी के चक्कर में फंसी रहेगी। क्या कुछ कहेंगी स्थितियां, आगे आपको अपडेट करते रहेंगे और जानकारियां देते रहेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।